नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों ने 2, 3, 4 अक्षरों वाले शब्द और आ की मात्रा का अध्ययन किया है। आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उसमें छोटी ई की मात्रा का उपयोग किया गया है। तो बच्चों, भाषा माधुरी का पाठ नंबर 4, रविवार का दिन, आज हम इस पाठ का वाचन करेंगे। रविवार का दिन। रविवार का दिन आया, चिड़िया तिनका पकड़ लाई, तिनका तिनका लाकर घर बनाया, अखिल डलिया भरकर दाना लाया, चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। रविवार के दिन चिड़िया तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रही थी। जब अखिल ने चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा तो वो डलिया भरकर दाना ले आया। डलिया भरकर मतलब एक कटोरा भरकर दाना ले आया। चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। चिड़िया ने वो दाना खुशी खुशी खाया, अपना घोंसला बनाया और वो उड़ गई। आकाश पर काला बादल छाया, रिमझिम बारिश आ गई, छवि छत पर आई, फिर बारिश थम गई। आकाश पर काले घने बादल छा गए और रिमझिम बरसात शुरू हो गई। ये देखकर छवि छत पर आई और कुछ ही देर में बारिश थम गई। छवि साइकिल पर बाजार गई, नारियल किशमिश मिठाई लाई, तब अतिथि आया, मिठाई खाकर रविवार का दिन मनाया। छवि अपनी साइकिल पे बैठकर बाजार गई कुछ सामान लाने। कौन सा सामान? नारियल किशमिश मिठाई। तब उनके घर अतिथि आया, अतिथि का मतलब मेहमान। मिठाई खाकर रविवार का दिन खुशी खुशी बिताया। बच्चों, इस पाठ में है कि रविवार के दिन चिड़िया तिनका तिनका पकड़कर अपना घोंसला बनाती है। वो तिनका तिनका जोड़ती है, दूर दूर से इकट्ठे करके तिनके लाती है और वो अपना एक घोंसला बनाती है। अखिल जब चिड़िया को ये घोंसला बनाते हुए देखता है तो वो डलिया भरकर दाना ले आता है। डलिया भरकर मतलब कटोरा भरकर दाना ले आता है। चिड़िया बहुत खुशी खुशी वो दाना खाती है और उड़ जाती है। कुछ ही देर बाद आकाश पर काले काले बादल छा जाते हैं और काले घने बादलों की वजह से रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर छवि छत पर आ जाती है। कुछ ही देर में बारिश थम जाती है, मतलब रुक जाती है। छवि साइकिल पर सवार होकर बाजार जाती है कुछ सामान लेने। कौन सा सामान लेने? नारियल किशमिश मिठाई। क्यों? क्योंकि उनके घर में एक अतिथि आते हैं। अतिथि का मतलब उनके घर में एक मेहमान आते हैं और वो सब लोग मिलकर मिठाई खाते हैं और रविवार का दिन खुशी खुशी बिताते हैं। तो बच्चों, आज हमने रविवार का दिन पाठ का पठन किया है, वाचन किया है। तो अब आप लोग इस पाठ को 2-3 बार पढ़ेंगे जिससे आपको इस पाठ के बारे में सारी जानकारी हो जाए। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। टेक केयर।